कदी कदी मैं सोचूं हूँ कि उस टक्कर के बिना मेरी जिंदगानी अलग सू होती। बाप हमेशा बोलता था, तोल भगवान ने अलग सु बनायो और खूबसूरत खुशी और आनंद वही सु मले हैं। मेरा माई बाप की मौत एक मोटर की टक्कर में हुई। उनका मरना का पीछे मेरा बूढ़ा दादा दादी मेरा पालन पोषण कर रहा। लोग कहवे हा कि मेरो जन्म बुरा वक्त में हुआ है और मेरा श्राप मेरा माई बाप का की मौत का कारण बना है। मोलू लगे हो कि ये मेरा पिछला जन्म का पापों का कर्म है। मेरा माई बाप मेरो ब्याह करवा के मुझसे छुटकारा पानो चाहवे हा। मेरो ससुरो मेरी तरफदारी में हो, उ मेरो अच्छी तरह से ध्यान रखे हो। मेरी सास माई यह चाहे ही कि मैं एक पोता पैदा करूं। लेकिन मेरी ननद तो मुझे पसंद ना करे ही और मोलू लगे हो कि उ मोसु जड़े है। जासु मेरो ब्याह होन वालो हो वासु मोहे थोड़ो डर लगे हो। जब सु मेरो ससुरो बीमार हो, मेरा पति को बहुत काम करनो पड़े हो कि परिवार की जरूरत पूरी कर सके हो और बाका ऊपर बहुत बोझ हो। मैं अपने जीवन में डर गई और नहीं पता कि काई करूं। अगर मैं माई बनती तो शायद ही वो खुश होता, पर मैं माई नहीं बन सकी। घर में मेरा ससुरा के अलावा मुझे कोई नहीं समझे हो। वो इतनो बीमार हो कि कुछ बात भी नहीं कर सके हो। ये देखकर मेरा दिल टूटे हो। मेरी सासू माई धमकी दिया करती थी, अगर मुझे लड़का नहीं हुए घर से बाहर निकाल देवेगी। मेरा पड़ोस में एक दयालु बैरवानी अक्सर मुझे अपना घर चायलू बुलाया करती थी। वा की खुद की जिंदगानी की मुसीबतों के बावजूद भी खुश नजर आवे ही।
मैंने अपनी सहेली प्रेमा से पूछो कि मेरी जैसी बैरवानी का इतना ध्यान क्यों रखी है। उसने कहा कि वह सतगुरु यीशु और उनका चेलों का रास्ता है कि दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखे, और उसने यह भी कहा कि भगवान मोसु प्यार करे है और वो भी मोसु प्यार करे है। मैंने प्रेमा सु कहो कि उमय भगवान यीशु का बारा में बतावे, और माने बड़ी दया की साथ भगवान यीशु का बारा में भी बताई। वाने मोलू सत्संग में आना को न्योता दियो। मोलू बस सत्संग का गुरुजी की आवाज अच्छी तरह सु याद ही। सतगुरु यीशु भगवान सु भेजो गयो अनंत ज्योति है, जो भी विश्वास करेगा वो पाप और मौत का चक्र सु बचेगो। बाकी दया अपना नेशु हमारी आलस की जिंदगाने सुंदर सुगंधित होवे हैं। वो एक संदेश था जिसे मैं अपनी सारी जिंदगानी में सुनना को तरस रहीगी। यह प्रार्थना का बोल हम लोग सिखावे हैं कि हे भगवान मोरा असत्य सुसत्य, अंधेरा सु उजाड़ा में और मौत सु अनंत जीवन में ले चलो। यीशु में हमारी प्रार्थना की पूर्णता है। यीशु ही सच्चाई मार्ग और जीवन है जो हमें मुक्ति देवे हैं। वहाँ ने समझायो कि हम भगवान यीशु महाराज के द्वारा कदी और कहीं से भी प्रार्थना कर सके हैं। कोई भी सराहना के बिना उनका अनुग्रह ही बहुत है। वहाँ ने और आगे बतायो कि भगवान चाहे है कि ये अनुग्रह हम अपनाएं। वहाँ ने मोलू प्रोत्साहित कियो हो कि मैं सतगुरु यीशु को मेरा गुरु बनाकर जिंदगी भर की भक्ति प्रार्थना करती रहूं। मैंने महाराजा यीशु से उस रात प्रार्थना की वो मुझे सच्चाई का मार्ग पे चलावें, मोलू मुक्ति दें और शांति सुभर दें। मैं ये जानकर चकित हुई कि मैं माई बनने वाली हूँ। यह जानकर मेरा परिवार मोसु बहुत खुश हुयो और मुझे वापस घर ले गयो। मरियम का यीशु लाडला सारी जगरा हो सारी जगरा तारन हार मारे घर आओ जी। हम यीशु के तिलक हो क्या हाथा में यीशु के
बाकी पसली में बाकी पसली में भालो छिदाय मारे घर आओ जी आओ आओ मारा ये शोराज मारे घर आओ मुँह पे एक छोरी पैदा हुई पर मुझको उसकी शक्ल देखना भी नसीब नहीं हुआ। मेरा बच्चा एक छोरी थी और इस जुर्म के लिए उसको मरना पड़ा। मेरी सासू माई ने मेरी छोरी को मारने को आदेश दियो हो। क्या मैं वालू कदी माफ कर सकूं हूं? जाने मेरा पहला बच्चा को मारवा के लिए क्या मैं कदी अपने आप को माफ कर सकूं हूं? नहीं। मोलू कोई रास्तों ने दिखाई दे रहो हो इस पाप का दलदल से निकलवा के लिए। कौन भगवान ने अलग सु बनायो और खूबसूरत खुशी और आनंद वही सु मले हैं। मेरा ससुरा की हालत पूरी तरह से बिगड़ी ही और डॉक्टर ने सूचित कियो हो कि वो वा रात से गुजर कर वा को जीनो मुश्किल है। मेरी सासू माई ने दोष लगायो कि मैं अशुभ हूँ। वह मुझे भी मारना चाहे ही जैसे वा ने मेरी बेटी को मारा था। मोए वा पे बहुत दया आई ही। मेरी ननद ने कड़वाहट व्यवहार के लिए माफी मांगी ही। उसका पश्चाताप से बढ़कर मेरे लिए और कोई खुशी नहीं की। मैंने वालू बताया हो कि मैं इस काबिल ना हूँ, फिर भी महाराज यीशु ने मुझे माफ किया है।
इसलिए मैं तोलु भी माफ करूं हूं। परमेश्वर तोसु प्यार करे है, वैसे मैं भी तोसु प्यार करूं हूं। हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना की हीगी कि भगवान यीशु मेरा ससुरा को जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। अगर यह टक्कर ना हुई होती तो मेरी जिंदगानी कैसी होती, अब उसका कोई फर्क नहीं पड़े है। यीशु बुरी से बुरी स्थिति को अच्छा में बदल सके है।